आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कम चीजों से कैसे अच्छा केक हम बना सकते हैं उसी की रेसिपी। नमस्ते फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम एक बर्तन गैस पर रखकर और इसे गर्म होने के लिए रखेंगे। मैंने पतीले लिए हैं, आप चाहे तो कुकर भी ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं, जिसमें आप केक बना रहे हैं वो बर्तन उसमें अटना चाहिए। अब इसमें डालते हैं करीब 2 कप जितना नमक। मैं ये नमक बार बार यूज किए हैं इसीलिए इसका कलर ऐसा आ गया है। आप चाहे तो नमक की जगह रेत भी ले सकते हैं यानी बालू, या ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन बर्तन बहुत भारी तले की होनी चाहिए जिससे बर्तन जले ना। तो अब इसे गर्म होने देते हैं और तब तक हम उधर तैयारी कर लेते हैं केक की। तो केक बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा 3 कप लिए हैं। आप आटे की जगह मैदा भी ले सकते हैं और चीनी मैंने लिए हैं 1/4 कप यानी आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा लिए हैं। 1 छोटी चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर लिए हैं और 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा, थोड़ा सा इलायची कुटा हुआ और 1/2 कप मैंने तेल लिए हैं। तेल की जगह आप घी भी ले सकते हैं, बटर भी ले सकते हैं। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं बैटर। तो चीनी मैंने पहले से ही पानी में घुलने के लिए रख लिए हैं, तो वो ले लेते हैं और इन्हें हटा देते हैं। अब आटा में हम सबसे पहले ये बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं हाथों से। आप चाहे तो छलनी में डालकर छान भी सकते हैं ये आटा को, और इस तरह से भी कर लेंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे ये सारे चीजें। अब हम इनमें डालते हैं तेल। और तेल को भी डालकर अच्छी तरह से मिला लेंगे इनमें पहले। इलायची भी डाल लिए हैं। अब इनमें डालते हैं ये चीनी पानी और इन्हें घोलेंगे अच्छी तरह से। आप पानी की जगह दूध में भी घोल सकते हैं चीनी, लेकिन आज मैं दूध का कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूँ। फिर भी ये बहुत ही जबरदस्त टेस्टी बनेगा ये केक, तो आप इस प्रकार से जरूर एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो इसमें मैं 1/4 कप पानी फिर से इसमें डालकर मिला रही हूँ और देखिए बैटर इस तरह का होना चाहिए, न बहुत ज्यादा गाढ़ा न बहुत ज्यादा पतला, इसी कंसिस्टेंसी की बैटर चाहिए हमें केक के लिए, परफेक्ट है ये। तो अब इनमें डाल लेते हैं जिनमें हम बेक करेंगे केक को। वो बर्तन पहले से ही ग्रीस करके रखिएगा तेल से, और हो सके तो केक टिन में नीचे बटर पेपर काट कर लगा लीजिएगा। यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, मैदा से भी केक टिन को डस्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले बर्तन में तेल लगा लीजिएगा फिर मैदा लगाइएगा। और बैटर रखने के बाद इस तरह से केक टिन को एक बार जरूर खटखटा दीजिएगा ताकि अच्छी तरह से ये एक्सर हो जाए। अब चलिए इन्हें बैक करते हैं। तो ये बर्तन अभी बहुत गर्म है, बहुत ही सावधानी से छुइएगा, एक कॉटन के कपड़े से अच्छे से इसे पकड़िएगा जिससे आपका हाथ जले ना। अब इसमें इस तरह का एक स्टैंड रख लेते हैं। आप चाहे तो उल्टा करके कटोरी भी रख सकते हैं, लेकिन स्टैंड तो सभी के घर में होते ही हैं, तो यही अच्छा होता है। अब इसमें ये बर्तन डालकर और इसे ढककर गैस का फ्लेम 2-3 मिनट के लिए हम मीडियम रखेंगे और फिर लो कर लेंगे और 20 मिनट इन्हें पकने देंगे इसी तरह से। तो अब 20 मिनट के बाद केक को चेक करते हैं। तो देखिए केक ऐसा है, अभी ये पका नहीं है। इसी वक्त हम केक के ऊपर कुछ डालना चाहें यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह काट कर डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इस वक्त यदि हम डालेंगे तो बहुत ही अच्छे से सेट हो जाते हैं केक के ऊपर। और आप ये सोचेंगे कि ये केक फट गया है, लेकिन ये केक फटा हुआ नहीं है। मैंने बर्तन को कुछ देर पहले हिला दिए थे एक बार, जिससे इसके ऊपर थोड़ा सा डिजाइन आ जाए। अब केक को एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरह का है अभी। तो कोई इस तरह का स्टिक से अथवा फॉर्क से भी कर सकते हैं अथवा चम्मच की डांट से कर सकते हैं। तो देखिए ये अभी चिपक रहा है इसका बैटर, यानी एक केक अभी पका हुआ नहीं है। तो अब केक को फिर से ढक लेते हैं और इन्हें ढककर 10 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पर फिर से पकाएंगे और चेक करेंगे पहले की तरह। तो स्टिक में केक नहीं चिपकते हैं, तो समझिए केक तैयार हो गया है। और बीच बीच में चेक करते रहिएगा, नहीं तो ओवर कुक होके केक हार्ड हो जाएंगे और ठंडा होने के बाद आप केक नहीं खा पाएंगे हार्ड होने के कारण से, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का। तो लीजिए मैंने केक पकाकर निकाल लिए हैं बर्तन से, और एक केक टिन भी थोड़ा सा ठंडा हो गया है, मैं छू पा रही हूँ आसानी से। तो इसे इस तरह से चाकू से हम चारों तरफ एक बार घुमा देंगे।
ताकि एक केक आसानी से बाहर निकल कर आए। अब एक प्लेट इस तरह से केक टिन के ऊपर रखेंगे और इसे पलटाएंगे और इस तरह से निकाल लेंगे इसका प्लेट और इसका बटर पेपर भी निकाल लेंगे। तो देखिए कितना स्पॉन्जी केक लग रहा है देखने से ही, बहुत ही जाली बना है, पीछे से भी देख सकते हैं आप और आगे से भी। और इस केक में हम कुछ भी ऐसा नहीं डाले हैं जो हमारे घर में आसानी से उपलब्ध न हो। चीनी, आटा और तेल सभी के घर में इजली रहते ही हैं हर वक्त, तो आप किसी भी समय एक केक को बना सकते हैं और फैमिली फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। कोई भी ब्रेड हो या केक हो, यदि आप गरम गरम में काटते हैं तो वो बिखरेंगे यदि परफेक्ट बना हुआ है तो। यदि हार्ड हो गया है तो गरम में काटेंगे तो कटेगा अच्छे से और ठंडे होने के बाद नहीं कटेंगे। देखिए अभी ये केक गरम है, इसमें चाकू रखते ही ये नीचे जा रहा है और उठाएंगे तो ये बिखरेंगे, तो मैं ठंडा होने के बाद ही आपको दिखाती हूँ काट के। तो ये देखिए मैं सुबह होकर आपको ये केक काट कर दिखा रही हूँ, रात को ही आधा केक ख़त्म हो चुके हैं, उस वक्त मैं वीडियो नहीं बना पाई, कैमरा का बैटरी लो हो गया था इसी कारण से। और देखिए केक अभी भी स्पॉन्जी सॉफ्ट है और आप 3 दिन 4 दिन केक को फ्रिज में रखकर खा सकते हैं, ऐसा ही कि ऐसा ही रहेगा। तो आप एक केक बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ।